see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. So many things that I keep in my mind. Like a credit, there's a reason why we're alive. All the emotions I built up inside your body. अगली ब्रेक मारी भाई। इन आवारे उठे। उल्लाग का ना उल्लाग तो क्या? आता उल्लाग तो। अरे जाता था। ओह उल्लाग तो ये। ये हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। आज का प्लान तो हमारा ब्लॉग बनाने का जाने का था, तो हम देवड़ा जाने वाले थे। तो देवड़ा तो मैं वहाँ बैठ के वेट कर रहा था, तो पत्ता भाई का फ़ोन आया कि भाई आ जाओ इधर पे। उसकी बाइक स्लिप हो गई और उसका लग गया, तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। ऐसा कुछ सीन है। अभी तो मैं जा रहा हूँ सीधा अपने घर, तो अभी राइड का प्लान हो गया कैंसिल। अगले संडे पे चलेंगे। अभी उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं है, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो अभी फिर बाद में रखते हैं पर। तो बोला ठीक है। तो हम गए दवा जो हमारे जो क्लिनिक है उधर पे गई, जो हॉस्पिटल है उधर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, और उसका थोड़ा वो ड्रेसिंग वगैरह किया। फिर बाद में मैं उसे घर छोड़ कर फिर अपने घर जा रहा हूँ। अभी ऐसा बहुत कुछ हो गया, तो जो होने वाला था तो हो गया। वो तो टाल नहीं सकते, पर ठीक है ध्यान रखा करो प्रताप भाई को। मैं कहना चाहूँगा कि अगली ब्रेक का कम इस्तेमाल करें। तो भाई ने भी क्या आगे रोड टूटा हुआ था, तो फुल स्पीड में दोनों ब्रेक लग गई, तो अगले वाला जो पहिया था वो स्लिप हो गया और बाइक पूरी टेढ़ी हो गई। तो उसकी वजह से जो ये हाथ में हो गया ना, इधर पे लग गया। ऐसा कुछ सीन हो गया। तो अभी ये बाइक भी यहाँ स्लिप हो रही है, तो खराब मूड अपना तो खराब है। अभी क्या ही कर सकते हैं। मस्त राइड का प्लान था, रील भी शूट करेंगे थोड़ी बहुत। तो कोई ना, चलो अभी चलते हैं जय बसराज। तो अभी घर जा रहे हैं हम। मैंने अपनी बाइक का थोड़ा भी आपको इधर रुक के थोड़ा लुक बता देता हूँ। कुछ किया है देखो आप, जो बैक साइड की वो अपनी जो पापा ने लगाई थी वो टंकी, वो क्या बोलते हैं साइड बॉक्स, वो हटा दिए मैंने।
तो कुछ इस प्रकार से लूक आ रहा है अभी। सामने वाले जो फ्लिकर्स होते हैं वो भी लगवाने हैं, अभी घर पर ही पड़े हैं, एक दिन लगाएंगे। तो चलो अभी चलते हैं। इंजन भी धुआं दे रहा है, देखो विली नहीं लग रही बराबर, इंजन का काम कराना तो पड़ेगा। मैंने बोला पापा को इंजन बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक, थोड़ा सा खेत में काम वाम है तो वो सब समाप्त हो जाएगा, तो फिर बाद में हम ठीक है अपना काम चालू कर देंगे।